नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त व अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। अपने जीवन में तीन प्रकार के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर एक, मुसीबत में जो आपके काम आए। नंबर दो, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे। और नंबर तीन, जिस व्यक्ति ने आपको मुसीबत में डाला है। आज की तारीख 13 सितंबर 2020, आज का वार रविवार। आज अश्विनी माह का 11वां दिन है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 3:16 मध्य रात्रि के बाद तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 13 सितंबर 2020 के सूर्योदय का समय रहेगा 6:05 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 6:28 शाम को। चंद्रोदय का समय रहेगा 2:20 मध्य रात्रि के बाद और चंद्रास्त का समय होगा 3:43 दोपहर तक। आज का नक्षत्र पुनर्वसु 4:34 शाम तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर के को हा ही से शुरू होते हैं, वे लोग पुनर्वसु नक्षत्र के माने जाते हैं। उनकी राशि होती है के को हा के लिए मिथुन और ही जिनका नाम है उनका कर्क राशि। राशि स्वामी होता है बुध और चंद्रमा। नक्षत्र देवता है अदिति। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं। कुछ के अनुसार धार्मिक रूप से कट्टर भी हो सकते हैं। धर्म के चलते इनमें पुरातन विचारधाराओं और मान्यताओं के प्रति बहुत ही आस्था होती है। इनके विचारों का पता लगा पाना आसान नहीं होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक लेन देन को व्यवसाय में योग्य होता है। पुनर्वसु नक्षत्र वैश्य जाति का नक्षत्र है। इस कारण जातक कुशल रूप से व्यापार के कर्मों को करता है, व्यर्थ के जोखिम उठाने से बचता है, सुरक्षा और सुरक्षित पूर्ण उपायों को अधिक महत्व देता है। जातक धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है, पर अगर कहीं नक्षत्र पाप पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में जातक आलसी, अकर्मण्य और जातक डरपोक भी हो सकता है। विद्वानों के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मा जातक कई बार अपने प्रथम प्रयास में सफल न हो सके तो वह निराशा और हताशा से भर जाता है, किंतु यदि वह पुनः प्रयास करे तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। जातक में भावुकता, उदारता और संवेदनशीलता के गुण भी मौजूद होते हैं। इस जातक में लक्ष्य को पाने की बहुत ही तीव्र लालसा पाई जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र में बुरे प्रभावों से बचने के लिए देव माता अदिति, दुर्गा लक्ष्मी और मां काली की उपासना करना शुभदायक होता है। इसके साथ ही साथ बुध मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करना भी उत्तम माना जाता है। इस नक्षत्र के जातक के लिए पुखराज धारण करना भी अनुकूल होता है। इनका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। मित्रों, ये थी जानकारी आज के नक्षत्र के बारे में। यदि आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो कमेंट में जरूर लिखें। आज की सूर्य राशि है सिंह। आज की चंद्र राशि है मिथुन, जो 10:36 सुबह तक रहेगी। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। आज का पहला करण भाव 3:51 दोपहर बाद तक रहेगा। आज का दूसरा करण बालव 3:16 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। तत्पश्चात कौलव करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के करण के विषय में। भव एक प्रकार का सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय है। बालव भी सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय है, जबकि कौलव श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला शुभ समय माना गया है।
आज का योग वरियान 4:05 शाम तक रहेगा। इसके बाद परिघ योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के योग के विषय में। कोई भी मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान नामक योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार के पितृकर्म काम नहीं करते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार अगर आप वरियान योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप अपने आसपास के हर किसी को खुश रखना पसंद करते हैं। लोग आमतौर पर आपके कौशल, ज्ञान और धन की प्रशंसा करते हैं। आप अपने शानदार व्यक्तित्व के साथ दूसरों को मोहित करते हैं। आप संगीत और कला में रुचि रखते हैं, ऐसा माना जाता है। आज की दिशा शूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल माना गया है। पश्चिम दिशा में जाने से पहले दलिया व घी खाकर प्रस्थान करें। ऐसा करने से दिशा शूल का प्रभाव कम हो सकता है। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 सुबह से 12:41 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:21 दोपहर से 3:10 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:33 सुबह से 5:19 सुबह तक रहने वाला है। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 4:55 शाम से 6:28 शाम तक रहेगा। यमगंड काल की बात करें तो 12:17 दोपहर से 1:50 दोपहर तक यमगंड काल का समय रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार का विघ्न आ सकता है। आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 13 सितंबर को इंदिरा एकादशी, 15 सितंबर को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि होगी, 16 सितंबर को कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा होगी, 17 तारीख अश्वनी अमावस्या सर्वपित्र और दश अमावस्या रहेगी, 18 सितंबर को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र दर्शन होंगे। आइए जानते हैं 13 सितंबर को पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत इसलिए पितृ पक्ष में पितरों की मुक्ति और शांति की कामना से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। 13 सितंबर 2020 के दिन का छुगड़िया इस प्रकार रहेगा। चर समय 7:37 सुबह से 9:10 सुबह तक। लाभ का समय होगा 9:10 सुबह से 10:43 सुबह तक। अमृत काल का समय 10:43 सुबह से 12:16 दोपहर तक और शुभ समय रहेगा 1:50 दोपहर से 3:23 दोपहर तक। आज रात का चौघड़िया इस प्रकार रहेगा। शुभ समय 6:28 शाम से 7:55 शाम तक। अमृत काल का समय होगा 7:55 शाम से 9:22 शाम तक। चर समय 9:22 रात्रि से 10:50 रात्रि तक रहने वाला है। लाभ का समय होगा 1:43 मध्य रात्रि से 3:10 अगले दिन सुबह तक और शुभ का समय होगा 4:37 अगले दिन सुबह से 6:04 अगले दिन सुबह तक। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।